इसमें इंजीनियर सुधीर राज जी हैं। सुधीर राज जी, हम क्या कारण है इतनी बहुत गैदरिंग हो रही है? हम कभी कभार आते हैं हमारे यहाँ, सुबह शाम तक कई चक्कर लग जाते हैं, लेकिन आज गैदरिंग देख के ऐसा हो रहा है कि मेरे को पसीने भी आ रहे हैं भीड़ भड़का में। तो आज क्या चक्कर आ रही है गैदरिंग का? वो जो आप बोल रहे हो ना, वो दिन है आज संविधान का कि बोलने की आजादी मिली। आज वो उसका बर्थडे हुआ था जो 68 साल पहले हुआ था, कि कैसे हमारे पत्रकार बोलेंगे और कैसे लोग बोलेंगे। बोलने की आजादी का दिन है आज, उसका बर्थडे है। लोग पूरा देश उसका बर्थडे मना रहा है, पूरा संविधान, पूरा देश आजाद हुआ आज के दिन। तो जो लागू हुआ है उसकी खुशी में लोग यहाँ इकट्ठे हो रहे हैं, और आज अपने देने वाले का धन्यवाद करने, संविधान का धन्यवाद करने के लिए यहाँ आए हुए हैं। संविधान का आज धन्यवाद, संविधान कर रहे हैं, ऐसा क्या लिखा है जो आपने बोलने का अधिकार बता रहे हैं? और आज हम अच्छे कपड़े पहनने का अधिकार बता रहे हैं, तो ऐसा क्या लिखा है कि हम तो अच्छे कपड़े पहले से पहनते थे साहब? नहीं नहीं, राजस्थान में तो आप अभी भी अच्छे कपड़े नहीं पहन सकते। राजस्थान में तो अगर आप अच्छे कपड़े पहन के जाओगे तो आपकी पिटाई हो जाएगी। आप घोड़े पे चढ़ोगे तो वहाँ पुलिस लेनी पड़ेगी आपको। राजस्थान में तो स्थिति खराब है, पुलिस लेनी पड़ेगी। पुलिस आपके साथ होगी तो आप घोड़े पे चढ़ पाओगे वहाँ? तो वहाँ संविधान को नहीं मानते हैं क्या? ये तो बाबा साहब ने कहा था, अगर मानने उसको लागू करने वाले लोग अच्छे नहीं हुए तो वहाँ ऐसी दिक्कत आएगी। तो जहाँ लागू करने वाले लोग अच्छे नहीं है वहाँ दिक्कत आ रही है। अभी इंजीनियर साहब का जो प्रिंसिपल हैं और स्कूल के अंदर क्या इस तरीके की व्यवस्था है कि राजस्थान का रिजल्ट बताया कि आप अच्छे कपड़े नहीं पहन सकते, घोड़े पर नहीं चढ़ सकते, तो आपने क्या देखा इस तरीके का वातावरण? आप बिल्कुल देखा है, और जहाँ दूर दराज के गांव हैं, जहाँ वर्ण व्यवस्था को ज़्यादा मानने वाले लोग हैं, वहाँ दलितों के साथ, सोशल के साथ ऐसा ही होता है। अभी कल परसों की बात है, आपने व्हाट्सएप पे और टीवी में भी देखा होगा कि एक जितने बराती नहीं थे, एक दलित की बारात निकल रही थी, जितने बराती नहीं थे उसके आगे पीछे पुलिस वाले थे, तो सब ये देख के ये चौंक रहे थे कि भाई ये बारात जो निकल रही है क्या किसी VIP की बारात है? तो उन्होंने बताया कि ये VIP की बारात नहीं, ये भाई दलित की बारात है। क्यों ऐसा हुआ? उन्होंने कहा भाई ये घोड़ी पर नहीं चढ़ने देते इनको, इसलिए पुलिस प्रोटेक्शन दे रही है और उसके बाद में तब बरातें चढ़ रही है। ऐसा होता हमारे बीच में बहुत ही समाज सेवी और जिनको एक अपने इंटरनेशनल के मोहताज नहीं है, उन्होंने बहुत ख्याति प्राप्त की है, वो भारत में ही नहीं और विदेशों के अंदर भी अपनी ख्याति प्राप्त की है, ऐसी शख्सियत हमारे बीच में शांति स्वरूप बोध जी, आइए हम इनसे जानकारी लेते हैं। सर, आज का जो इतना बड़ा कारवा है कभी देखने को नहीं मिला और आज देखने को मिला, ये क्या आज की खासियत है? खासियत आज की ये है कि आज बाबा साहब द्वारा रचित संविधान उन्होंने तैयार करके पेश किया था, और वो संविधान पेश हुआ और जब पास हुआ तो संविधान से हमारी गुलामी की बेड़ियां टूटी, हमारे घरों में उजियारा आया, हमारे बदन पर आज ये कपड़े देख रहे हैं, अभी हर क्षेत्र में दौड़ने का जो मौका मिला, प्रगति के हर आसमान को छूने का जो मौका मिला, वो इस संविधान के कारण है। अब हमें 68 साल हो गए गफलती में खोए हुए, आज हमें होश आया है, तो एक हफ्ते की मेहनत के बाद हम सब लोग उत्सव मनाने आए हैं। आप 5 साल में देखिएगा, ये उत्सव के रूप में आज का दिन सारे भारतवर्ष में नहीं, हम सारी दुनिया में पहुंचाने का काम करेंगे, और भारतवर्ष की जितनी भी राजधानियां, जितने भी बड़े बड़े शहर हैं, वहाँ की प्राइम लोकेशंस पर ये आयोजन हम करेंगे, शांतिपूर्ण करेंगे। बाबा साहब हमारे लिए सब कुछ हैं, बाबा साहब हमारे लिए सब कुछ हैं, उनके जीवन का हर एक पल हमारे लिए एक त्यौहार है, आज इसलिए हम सब उनका हैप्पी बर्थडे मनाने आए हैं। संविधान का हैप्पी बर्थडे है, हम सबके जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण क्षण है, उसको उत्सव के रूप में मनाने हम इंडिया गेट पर आए हैं। बाबा साहब की वजह से आज इंडिया गेट को भी हम अपना कह सकते हैं। बहुत सब लोग मन से कहते हैं कि आज हमारा संविधान खतरे के अंदर है और खतरे में है और खतरे में चल रहा है, तो ये क्या खतरे में है, क्या खतरे में है या नहीं? आज तो आप बड़े खुशी मिजाज से और सारे लोग चेहरों पे गुलाब से खिले हुए हैं, तो कैसे खतरे में है? संविधान खतरे में, इसमें दो शक नहीं है, मगर जिन लोगों ने संविधान को खतरे में डाला हुआ है उनको हम ये संदेश देना चाहते हैं कि आप लाख कोशिश करो संविधान को धता बताने की, मगर बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के एहसान में जीने वाले लोग आपके इन सारी चीजों से परेशान नहीं है, बल्कि हम अब जब आज घर से बाहर निकल गए हैं, हमें परेशान करने वाले थोड़े दिन में खुद आपको परेशान नजर आएंगे, तो आज घर से बाहर निकलने का आपको निहितार्थ समझ में आएगा। सर, आज ये आवाम यहाँ पर है और जो संविधान के दायरे में जो बाबा साहब ने जो धारा है उसके तहत जीत के आते हैं लोग, आज वो ऐसे नेता लोग यहाँ नहीं दिखाई दे रहे। नेता लोग जो हम उनको सामाजिक तत्व नहीं मानते, वो समाज से नहीं जुड़े हैं, जितने हमारे नेता हैं किसी भी पार्टी में हैं, वो अपने दम पर नहीं गए हैं वहाँ, वो
बिकने के बाद वहाँ गए हैं, समाज को धोखा दे के गए हैं। आज वो ना उनके काम के हैं ना हमारे काम के हैं, वो धोबी के कुत्ते हैं, ना घर के हैं ना घाट के हैं, वो सामाजिक एजेंडा उनके पास कोई नहीं है। आज आज आप डंके की चोट पर कह सकते हो किसी भी दलित नेता के पास अपना सामाजिक एजेंडा नहीं है। वो अपने बच्चों के लिए बैंक बैलेंस बनाने गए हैं, कोठी बंगला बनाने गए हैं और कुछ खास लोगों के मंचों पर जाकर माला और तालियां बजवाने के लिए गए हैं। वो गफलती में है, समाज समझ चुका है ये आपके ऊपर बोझ हैं, इनसे मुक्ति पानी है। और ये संविधान दिवस पर जब हम आज बाहर निकले हैं, हम अपने समाज को जागरूक करेंगे और कोशिश करेंगे अब हमारे समाज में से कोई नए गद्दार पैदा ना हो। वो पीड़ा आज हमें इस दिन को सड़कों पर और वो भी राजपथ पर जगह के पास मनाने के लिए बाध्य करती है। हम आज जब बाहर निकले हैं संविधान की रक्षा के लिए निकले हैं, हम अपनी जान पर खेल जाएंगे मगर संवैधानिक प्रावधानों के विरोध में कुछ होने नहीं देंगे, ये हमारा दृढ़ संकल्प है। आप आवाम से और ये पूरे भारत की जनता से क्या अपील करना चाहते हैं आज के दिन? आज इस भारत वर्ष को तबाही से अगर कोई बचा सकता है तो ये इस देश का, सारी दुनिया का सबसे सुंदर संविधान और इसके अंदर जो मौजूद है प्रावधान, वो इस देश को बचा सकते हैं। इसने जो हमें सेकुलरिज्म का जो एक नारा दिया है, समता स्वतंत्रता भाईचारे का जो एक प्रावधान किया है, उसी से देश बच सकता है। कट्टरताओं से, धार्मिक और जातीय द्वेष से देश तबाह हो जाएगा, जिन कारणों से देश पहले भी तबाह हो चुका है। आजमाए हुए सिद्धांत को आजमाने में कोई अकलमंदी नहीं है। आज भाईचारे की जरूरत है, सौहार्दपूर्ण वातावरण की जरूरत है, सहिष्णु बनने की जरूरत है, एक दूसरे पर भरोसा करने की जरूरत है, एक दूसरे का सम्मान करके अपने साथ लेकर के चलने की जरूरत है। ये सारी चीज़ें हमें बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर का संविधान सिखाता है और इसलिए आज हम बहुत उत्साह में हैं, बहुत उमंग में हैं और बहुत ऊंची उड़ान भरने के लिए तैयार हैं। और जब हमने इरादा कर लिया है ऊंची उड़ान का, तो अब कद क्या देखना इस आसमान का। ये बाबा साहब के संविधान से हमें प्रेरणा मिली है। धन्यवाद।